ये एलईडी बल्ब जो है डेडिकेटेडली सिर्फ बाइक्स के लिए है और इसके ऊपर इसकी हीट सिंक लगी हुई है, साथ इसके अंदर क्रीट चिप एसएमडी जो है वो साथ लगी हुई है। ये दोनों पॉइंट्स के साथ वर्कआउट करेगा हाई लो के साथ, और प्लस इसके अंदर एक ड्यूल फ्लैशर सिस्टम भी है। तो इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा आउटपुट है। तो जब इसको पावर सपोर्ट देंगे तो एक पॉइंट के ऊपर 6000 के सुपर वाइट कलर की एलईडी ऑन हो जाएगी। देन आप इसको ऑफ़ करके ऑन करेंगे तो इसके अंदर ब्लू कलर जो है वो ऑन हो जाएगा, और थर्ड टाइम ऑन ऑफ करने के बाद आपका फ्लैशर सिस्टम ऑन हो जाएगा। मदर्स का बैक टू ब्लैक टायर शाइन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, हाई ग्लॉस फिनिश है, और इसकी एडजस्टेबल नोजल आती है। तो मदर्स का बैक टू बैक शाइन डेफिनेटली काम करता है, और इस तरह की बेसिक सरफेस के ऊपर जो कि टायर वॉश नहीं है उसके ऊपर तो बहुत विजिबल डिफरेंस ये दे रहा है। ये यूनिवर्सल आइटम है और ये क्रीट चिप एसएमडी के साथ सपोर्टिव है। ये बाइक में किसी भी जगह इंस्टॉल हो सकते हैं। इनके पीछे यूनिवर्सल शेप ब्रैकेट है जो कि आप अपनी ब्रैकेट की मदद से बाइक में कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसके बाहर वाली साइड के अंदर जो है रेड कलर का रिंग है जो कि DRL है, और अगर हम इसको नाइट टाइम में ऑन करके आपको दिखाएँ तो इसकी बड़ी फोकस्ड लाइट है जो कि आपको बाइक में ट्रैवल के दौरान काफ़ी हेल्पफुल रख सकता है। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम इसको ऑन करते हैं तो स्ट्रेट आपका सिंगल पॉइंट SMD ऑन हो जाता है। देन अगर हम इसका मोड चेंज करेंगे तो ये हाई और लो में चली जाती है। और थर्ड पॉइंट जो है इसके अंदर एक फ्लैशर सिस्टम है जो कि आप फ्लैशर सिस्टम भी अपना पॉइंट के साथ ब्लिंक ऑन कर सकते हैं। इंटीरियर की आइटम लेके आए हैं जो कि हमारे रेसिंग स्टीयरिंग व्हील्स हैं। ये तीन डिफरेंट कलर्स के साथ आता है जिसमें सिल्वर, ब्लू एंड रेड है। तो स्टेयरिंग व्हील की क्वालिटी की बात करें तो स्टेयरिंग व्हील जो है तकरीबन डीप शेप में है और ब्रश अलमुनियम फिनिश के अंदर है। साथ में इसके एक स्टैंडर्ड जो है हॉर्न का जो पैड है वो भी है जो कि मोमो के ऊपर मैंशनड है। तो इस स्टेयरिंग व्हील को आप अपनी गाड़ी में किसी भी बॉस किट को साथ ले लगा सकते हैं और अपनी गाड़ी के इंटीरियर को एक अच्छी स्पोर्टी लुक दे सकते हैं। ये एक बड़े अच्छी क्वालिटी के अंदर ब्रेक पैड जो हैं अवेलेबल हैं। ब्रेक पैड के अंदर आपको एक कीचेन मिलता है आपकी गाड़ी के लिए, और मैं आपको ब्रेक पैड्स की तरफ ले जाना चलता हूँ। तो ये ब्रेक पैड बेसिकली एक ओरिजिनल जो है OEM स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं। मैंने लास्ट प्रीवियसली MyTech के ब्रेक पैड्स जो हैं तकरीबन अपनी गाड़ी के अंदर 25,000 किलोमीटर चलाए थे। कंसीडरिंग द प्राइस, ये ब्रेक पैड्स आपको एक ऐसी इंप्रेसिव प्राइस के अंदर मिलते हैं जिसके ऊपर शायद लोगों का कॉन्सेप्ट है कि यार इतने सस्ते होंगे तो ख़राब होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये ब्रेक पैड जो हैं बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पार्कविल जो है आपको इन ब्रेक पैड्स के साथ गारंटी भी देता है कि अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक्स के साथ कोई इशू आता है या ब्रेक पैड ज़्यादा डस्ट दे रहा है या ब्रेक पैड जो है वो सही तरह ग्रिप नहीं कर रहा, तो आप हमारे सपोर्ट के थ्रू इनको रिप्लेस करवा सकते हैं। इन तमाम प्रोडक्ट्स को आप घर बैठे हासिल करने के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के थ्रू ऑर्डर डाल सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम इस तरह के मजीद प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हाफिज़।